अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाजिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस, फिर से मैं आ चुका हूँ ठंड में ठुठुरता हुआ ऊपर। और गाइस, सब कॉल ऑफ यू रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। देखो तो उल्टा ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ गाइस। हैं तो गाइस, क्या बोलते हैं, मैंने अपने ये देखो कबूतर आया, हरा नहीं जंगली है। हाँ तो गाइस, मैंने सोचा कि आज अपने कबूतर की वीडियो एक बना ही लेता हूँ। और ठंड का ही गाइस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हो मौसम हर तरफ कोरा ही कोरा है, आपको दिख रहा होगा धुंधला धुंधला सा। और मौसम क्लियर तो है, बट क्या बोलते हैं, वो वाला क्लियर नहीं है जो कि धूप आती है तो क्लियर होता है, मगर ठंड की वजह से मौसम ढका ढका सा है, ठंडा एकदम चिल्ड। और आज है रिपब्लिक डे, मतलब कि 26 जनवरी। तो गाइस क्या बोलते हैं, जो कि जहाज निकलते हैं, अभी एक जहाज निकला था, बाकी और गुमशुदा हैं जहाज वो, क्योंकि इसलिए क्योंकि बादलों के चक्कर में जहाज को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी थोड़ा मौसम साफ होता चला जाएगा तो जहाज निकलते चले जाएंगे। तो देखो बच्चे उच्चे ऊपर आ रखे हैं देखने के लिए, जहाज उज काफ़ी लोग ऊपर आ रखे थे गाइस, अभी नीचे भाग गए ठंड की वजह से, ठुठुरने के चक्कर में सोचा होगा कि नीचे ही भाग जाओ। अरे हाँ, तो मैं अपने गाइस कबूतर देखता हूँ कि किसी ने अंडा उंडा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि आजकल कबूतर गाइस मैं भी नहीं खोल रहा, पापा ही खोल रहे हैं, तो मैंने भी इतना फोकस नहीं किया कबूतरों पर कुछ दिनों से। तो गाइस अंडा तो इन्होंने नहीं दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, कर क्या रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अंडा इन्होंने नहीं दिया है गाइस, इन्हें देख लेते हैं। ये अल्लाह, अंडा दे दो भैया, तुम लोग के चक्कर में वीडियो नहीं जा रही व्लॉग पे। भैया अंडा दे दो, भैया अंडा दे दो, रे भैया अंडा दे दो। नहीं दिया गाइस इन्होंने, अंडा नहीं दिया। तो इन कंजड़ों को निकालता हूँ बाहर। सो गाइस, मैं ना इनके लिए रोटी लेके आया था, बासी रोटी लेके आया था, बची कुछ ही माल वाली रोटी, वो मैं इनके लिए ले आता हूँ, ताकि फेंकने से अच्छा है गाइस कि जानवर खा ले, किसी के मुंह में पड़ जाए और इनको थोड़ी ताकत भी मिल जाएगी। इनको भी खोल लेता हूँ, इतनी बुरी तरह से निकलते हैं जैसे कभी खोला ही नहीं होगा इनको। आ जा, झाक मत, तू आ जा बाहर निकल। दो गाइस का झाक रही, आइए देखो, झाकते निकलना है अंदर से। आ जा मेरे बच्चा, आ जा। तो गाइस देखो, पहले से ना, पहले इस जाल के अंदर कितनी गंदगी रहती थी, अब देखो कुछ गंदगी नहीं रहती है, क्योंकि कबूतर बहुत कम है अंदर और कबूतर भी कम खाते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि भरपूर मात्रा में इनको देता हूँ मैं, उतना ही देता हूँ जितना ये एडजस्ट कर लें आराम से और कंफर्टेबली रह लें पूरे दिन। मैं इतना भर भर के नहीं डालता जैसे कि बहुत लोग सारे, पहले मैं डालता था, हाँ ये चीज़ डालता हूँ मैं, पहले बहुत सारी चीज़ें डाल देता था इनको खाने के लिए। अगर मैं रोटी देता हूँ ना इनको, रोटी अगर दे रहा हूँ, ये इतनी सारी रोटी है, बहुत सारी है ये, तो मैं इनको इतना दाना दूंगा। देखो अगर रोटी दिए तो मैं इनको इतना दाना दे दूंगा, ठीक है, अगर रोटी दिए इतना दाना दूंगा, अगर रोटी नहीं देता तो मैं इनको इतना दाना देता हूँ, इतना दाना देता हूँ, रोटी नहीं देता। देखो कितना बड़ा मग्गा है, अच्छा खासा, इतने सारे कबूतरों में मैं इतना सारा दाना दे देता हूँ उनको फिलहाल, तो ये पूरे दिन एडजस्ट कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन इन्हें खोलता हूँ सुबह में, सुबह ही खिलाता हूँ गाइस, मैं शाम उम का झाड़ नहीं रखता, क्योंकि शाम को क्या होता है गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुबह बहुत होती है मानता हूँ, मगर सुबह धूप निकल जाती है तो इतनी पता नहीं चलता। और अभी तो धूप नहीं निकली है फिलहाल, मैं आपको दिखाने के लिए आ गया ऊपर, चलो कबूतर की वीडियो बना देता हूँ अच्छी सी एक प्यारी सी, और आप लोग को भी थोड़ा अपडेट मिल जाएगा इनके बारे में, देखा नहीं है काफ़ी इनसे आप लोगों ने इनको, तो देख लो आप लोग सारे कबूतरों को, सारे कबूतर दिख रहे होंगे आपको, कोई मिस नहीं है इसमें से, सारे हैं। और वह कबूतरी भाग गई है गाइस, वो हरी कबूतरी जो मैंने पकड़ी थी सबको, शायद मैंने बताया था नहीं बताया था, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, वो हरी कबूतरी जो पकड़ी थी सफ़ेद आँख की गिरेवाज कबूतरी, वो भाग गई है, बहुत ऊँचा उड़ गई थी लक्के के साथ, लक्के के साथ मैंने जोड़ा लगाया था, लक्के के साथ लक्के उड़ गई, बहुत ऊँची चली गई थी, दोबारा लौट के नहीं आई, चलो वो तो गई कोई बात नहीं, उसका नसीब रहा, अभी हमारा नसीब रहा कबूतरों का, ये अंडे जल्दी जल्दी से तो काम बन जाए। तो गाइस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ ऐसे न्यू मोड़ आने वाले हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, तो मुझे खुद भी नहीं पता गाइस। आप लोगों को पता है एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइस, मेरे यूट्यूब पर प्रॉब्लम चल रही है बहुत तगड़ी वाली, मेरे गाइस चैनल एडसन अकाउंट पे दो अकाउंट बन चुके हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, उनको रिमूव, एक को रिमूव करना चाहता हूँ तो कोई रिमूव ही नहीं हो रहा दोनों में से एक, पता नहीं गाइस क्या प्रॉब्लम आ गई गाइस। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, अगर किसी को पता है कैसे रिमूव करते हैं, मैं इतना रिमूव कर करके थक गया हूँ, दोनों अकाउंट एडसन अकाउंट दो बन गए गलती से, पता नहीं ये किसी को दिखाया था मैंने, छेड़छाड़ कर दी, दो अकाउंट बना दिए, एक मेरे नाम से था एक मेरी बहन के नाम से, ऐसे बन गए ना, दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा गाइस। अगर आप लोगों को कुछ पता है डिटेल्स में तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन बता देना, या किसी कोई ऐसा हो जो कोई हेल्प कर सके तो उसकी लिंक शेयर कर देना मुझे, ताकि मैं देख सकूँ उसको जाके और समझ पाऊँ, या उससे पूछ लूँ, हेल्प मांग लूँ। तो गाइस प्लीज़ करना, मेरे हर
चीज़ रुक गई है, मोनोटाइज रुक गया, मेरा मोनोटाइज हो गया चैनल, वो भी चला गया, वो भी हट गया मोनोटाइज से। पेमेंट जो आ रही थी, जो मेरे पास नहीं आई, जो जमा हो रही थी उसके अंदर, वो भी रुक गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई गाइस, मैं बहुत टेंशनों में रहता हूँ, इसलिए गाइस मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप समझ सकते हो जब इतनी सारी टेंशन हो, इतनी सारी मेहनत की, पैसा मैंने बस जो बर्बाद किया है ला ला के, और फिर कबूतर इतने सस्ते में बेचे, तो गाइस इसे बर्बादी ही कहते हैं। अगर जब इंसान 450 में कबूतर लेके आया और वो बिके 300, 250, 200, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान होता है गाइस। और मेरे मम्मी पापा मुझे फिर बहुत बोलते हैं कि तूने सब पैसा बर्बाद कर दिया, तो गाइस बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि हाँ वाकई में मैंने पैसा बर्बाद कर दिया है। तो गाइस इस चीज़ पर मैं सोच रहा था, मुझे बहुत टेंशन होती है, तो मैं, अरे गाइस ये आवाज़ दे रहा है लड़का है, देखो वहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है, ये रहा, ये खड़ा राजा राजा कर रहा है। तो मैं इसको बोलता रुक जा भैया वीडियो बनाने दे पहले मुझे। तो गाइस मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर ये फटाफट ये टेंशन हल हो जाती मेरी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन टेंशनों से निकल जाता, मगर ये हल ही नहीं हो रही। मैंने बहुत कोशिश की, दिखा भी लिया, ये कह रहे यूट्यूब वालों सपोर्ट मांगो, उनसे सपोर्ट भी मांगा, अपने आधार कार्ड भी भेज दिया, अब पता नहीं क्या होता आगे, मुझे नहीं पता। तो ये हो जाती टेंशन ख़त्म, तो मेरी टेंशन नहीं होती, इसके चक्कर में बहुत टेंशन होती है गाइस। मैं वीडियो नहीं बना पाता, शॉर्ट डाल देता हूँ, जैसे तैसे करके डालनी पड़ती है वीडियो, कहीं यूट्यूब ना बंद हो जाए, यूट्यूब पे छोड़ूँ मैं ढील तो फिर यूट्यूब भी काम से जाएगा, इसलिए मैं ढील नहीं छोड़ता, मैं हार ही नहीं मानता। मैंने कहा जब देखो अल्लाह कुछ करेगा आगे जाके, जो होगा बेहतर होगा। गाइस आपको पता है ये कबूतर बहुत लड़ैया हो गया, ये वाला इतना मारता है लोगों को, इतना मारता है, बेवजह चुपके का बेवजह मारेगा। ये देखो ये देखो ये देखो आपके आंखों के सामने, देखो गाइस इसने मारी, ये देखो ये देखो, कुछ कह रहा है वो, कुछ कह रहा है, बिल्कुल नहीं कह रहा, कोई भी हो किसी को भी मारेगा, ये देखो हरे को चुपक जाएगा, देखना अभी पागल हो जाएगा, ये देखो हो गया पागल, ये देखो देख रहे हो उसको, किसी को भी चुपक जाएगा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये पागल हो चुका है हकीकत में गाइस, ये मजाक की बात नहीं है, ये पागल हो गया है, ये हर किसी को मारता है, कबूतरी को नहीं मारेगा, सिर्फ जितने भी ना रहे कोई इसके पास चला जाए, ये ऐसे घुसन घुसन के लाते घुसे मारेगा और सर घुसेड़ देगा अपना, ऐसे करता है, ये देखो पागल हो गया, शुक्र है मैं समझा किसी चीज़ के पागल पीछे पागल हो गया, रोटी के पीछे पागल हुए। तो गाइस जल्दी ये अंडे देंगे तो मैं आपको इन कबूतर की अपडेट दे दूंगा। तो गाइस अगर शॉर्ट जब आते हैं तो प्लीज़ उनको अपना प्यार दिखाइए गाइस, मुझे छोड़ना मत प्लीज़ गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रगल किया है, आप लोग जानते हो कितनी मुश्किल से यूट्यूबर्स बढ़ते हैं आगे अपनी मेहनत से, और मेरे तो कुछ भी सब्सक्राइब नहीं है गाइस, अगर आप चाहते तो बहुत सारे कर सकते थे, बट क्या करूँ गाइस, जितने हैं उतने में खुश हूँ मैं। तो मेरा तो सपना बहुत था, 10,000 सब्सक्राइबर का सपना था, मैंने तो 2,000 बोले थे, चलो आप लोगों ने इतना करा मेरे लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, 2,000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए, 2,200 हो गए, और रहा 10,000 का, वो भी इंशाल्लाह कभी ना कभी हो ही जाएंगे, आप लोग जब तक साथ हो जब तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे मेरे। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस।